सबसे पहले तो नूपुर शर्मा जो जिन्होंने आग लगाई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की वजह से सरकार ने उस पर अगर कार्रवाई कर दिया होता और जो एक उनके साथी हैं दोनों पे अगर मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दिया होता तो कल की कोई घटना नहीं होती। कल की घटना की डिमांड तो वही ना है कि इनके खिलाफ़ मुकदमा लिख के जेल भेज दो। सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। एक तो गलती ये उन्होंने किया जिन्होंने बयान आग उगला, दूसरे जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया तो उनके खिलाफ़ सरकार कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष को परेशान न करे, ये हमारा अपना मानना है। पत्थरबाजों का एक नया ट्रेंड चल गया है उत्तर प्रदेश में, नवाज हुई उसके बाद पत्थरबाजी हुई, इस पर कितना कड़ा संदेश आप देना चाहेंगे उन पत्थरबाजों के लिए? देखिए, सरकार को तो पहले अंकुश उन पे लगाना चाहिए कि जो इस तरह की बयानबाजी, देश संविधान से चल रहा है, आप गलत बयानबाजी करके माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पूरा प्रदेश शांति माहौल में पड़ा हुआ था, अब जिस जिले में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हों, जिस जिले में देश के प्रधानमंत्री जी हों, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी हों, पूरी प्रशासनिक महकमा हो, और वहाँ की खुफिया तंत्र क्या कर रही थी, आईबी के लोग क्या कर रहे थे, जितने भी सीआईडी के लोग क्या कर रहे थे, जो खुफिया तंत्र था इनको तो पहले ही उस चीज़ों की जानकारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये साबित करता कि खुफिया तंत्र फेल हो गया और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ये घटना हो गई। अब इससे बड़ा खुफिया तंत्र का क्या खुलासा होगा? सर, ये तो कानपुर की बात हो गई, कल पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह जो है पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं, इनको लेकर क्या कहना है आपको, और उन पत्थरबाजों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश किया ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। सरकार कानून अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो घटना कल हुई है, इस घटना के पीछे सबसे पहले वो व्यक्ति जिन्होंने आग उगला, उसको हवा दिया, और हवा देने के बाद आज वही स्थिति आ गई। अगर सरकार ने उस नूपुर शर्मा और एक नाम और है जिन्होंने बयान दिया था, उनके खिलाफ़ अगर मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया होता तो कल ऐसी घटना नहीं होती। सर, अब तो घटना हो गई, यही हमारा कहने का मतलब है। अब कल की घटना में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनको लेकर क्या आप कहना? नहीं, सरकार कानूनी कार्रवाई करे, हमारी जितनी क्षमता के हिसाब से ही बात करें तो बहुत दूर तक आदमी जा सकता है। ज़्यादा बोल रहे थे, बड़े बोल रहे नहीं, अब ज़्यादा डिमांड सोचते हैं भाई, संयम चारे लोग हैं, किसको किसको दें, चार MLC बनाना था, 3 राज्यसभा, बहुत सी चीज़ें रही हैं ना, उनके दल में भी लोग, बहुत से लोग छूट गए, बहुत से लोगों को वादा किया होगा, तो अब जैसे मान लीजिए हमको बना देते तब भी तो नाराज़गी थी, तब भी वो नाराज होते, संजय जी नाराज़ होते, कृष्णा जी नाराज होते, सब लोग नाराज़ होते, इससे बढ़िया किसी को नहीं बनाया था, सबको संतोष करना चाहिए। पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है, जो ये कांड हो रहा है नूपुर शर्मा और उसको लेकर पत्थरबाजी को लेकर अखिलेश यादव का ना कोई ट्वीट है ना कोई बयान है। कल की घटना हो गई इतनी बड़ी, लेकिन उन्होंने कोई भी जो है, एक तरफ आप कहते हैं कि उनको ज़मीन पर भी आना चाहिए, कैसे जो है चलेगा मामला? देखिए, जहाँ तक बयान की बात है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की बात है, आप ओम प्रकाश राजभर से बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए, हम सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। आप लोगों के सामने ये बैठे हैं ना सुनील जी, अभी लोगों ने कहा कि इनको थोड़ा आगे बढ़ाइए, कहा था ना किसी साथी ने जी, और यहाँ से उठा के हमने कहाँ तक पहुँचा दिए, हम जो कहते हैं वही करते हैं। और ये सच्चाई है कि AC में बैठ करके मायावती जी एक सीट बची है, AC में बैठ के कांग्रेस पार्टी 2 सीट बची है, AC में ओम प्रकाश राजभर भी बैठ जाएगा तो ये भी 0 पर चला आएगा। अखिलेश जी, सबकी बात है, उन्हीं की बात नहीं, सबकी बात मैं कर रहा हूँ, वही असर होगा सबका, AC में जो लोग रहेंगे उनका यही असर होगा। आज उत्तर प्रदेश में जो है गरीब कल्याण जनसभा जो है पूरे प्रदेश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उपलब्धियाँ बता रही है कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए जो है योजनाएँ चलाई हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, कोई भी सरकार
आती है तो अपनी अपनी योजना लेके आती है, अपनी अपनी योजना जनता के बीच में ले जाती है। बताइए, कल तक कांग्रेस बहुत अच्छी थी जनता के बीच में, फिर जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, फिर जनता पार्टी आई, बहुत अच्छी पार्टी आई उसको नकार दिया, जनता दल आई बहुत अच्छी पार्टी थी उसको नकार दिया, बहुजन समाज पार्टी आई बहुत अच्छी पार्टी थी, गरीब कमजोर पिछड़े दलित के लिए बहुत ही अच्छी थी उसको भी जनता ने नकार दिया।